राज्य सचिवालय के कर्मचारी भड़कते नजर आए हैं। जी हां, आपको बता दें कि सेकेंडमेंट बेस पर अब विभागों से कर्मचारी बुलाने पर रोष जताया है। राज्य सचिवालय परिसर में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कलर के RNP रूल्स बदलने की योजना का विरोध किया है। सचिवालय कर्मचारी सेवाएं संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र बोबी का बयान भी सामने आया, अगर ऐसा कदम सरकार ने उठाया तो पैन डाउन स्ट्राइक सभी कर्मचारी करेंगे। सचिवालय की जो भी सर्विस रूल्स हैं उनमें कोई अमेंडमेंट नहीं की जाए और ये जो बैकडोर एंट्रीज हैं सेकंडमेंट के माध्यम से इसको तुरंत रोका जाए, और अगर ये किया जाता है या इसमें सरकार एडमेंट रहती है तो हम एक कंटिन्यूस यहाँ पर एक धरना देंगे। और मैं तो इतना भी कहूँगा आपको कि यदि यही एडमेंट रवैया रहा तो जो सेक्रेटेरिएट एसोसिएशन है वो बहुत अनंतकालीन हड़ताल तक भी जा सकती है। सेपरेट RNP रूल बन चुके हैं जिसमें जो सचिवालय में जो भी लिपिक के पद पर आएगा वो ग्रेजुएशन वाला ही लड़का आएगा, यहाँ पर जो भी आएंगे ग्रेजुएट आएंगे। लेकिन ये जो हमारा सेकंडमेंट का प्रोसीजर चल रहा है इसमें इसे हम एक तरह से बैकडोर एंट्री कहेंगे। इसमें जो अपने चहेते लोग होते हैं उनको सचिवालय में लाने की कोशिश की जाती है, पहले भी ऐसा हुआ है लेकिन उस समय इस तरह के रूल नहीं थे। अब जब 2015 में हमारे सेपरेट RNP रूल बन चुके हैं तो अब तो सचिवालय में जो सेकंडमेंट बेस पर लाने का कोई औचित्य रह ही नहीं जाता है।